যতখানে গুরু কেন্দ্রে আছে মানে কি সপ্তমা দৃষ্টি সপ্তম হাউসকে দেখছে না দেখছে না ফির কার দম আছে তোমার ডিভোর্স করতে প্রবলেম গুলো আসবে যাবে কিন্তু ডিভোর্স কেউ করতে পারবে না না কিন্তু আমার হাজবেন্ড তো এটা ऐसा है अगर आपका पास एक हस्बैंड का प्रॉब्लम है आप बोल रहे हो मेरा चैनल देख रहे हो बोल रहे हो ना मैं क्या मेरा जो बेसिक पार्ट क्या है मेरा बेसिक पार्ट है कि अगर हस्बैंड का बीमारी है प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है डाउट करता है सुनता नहीं है दो तीन ऐसा केस आए अपना बीवी को पैसा उधार ही देता है अपना बीवी को पैसा नहीं दे रहा है बोला ये लो मेरे को रिटर्न करना तो अपने माँ के घर से पैसा ला के दे रहा है इवन कुछ पति हैं पत्नी को बेच देते हैं और कुछ है ऐसा जो अपने पति के साथ गद्दारी करते हैं अपने पत्नी के साथ गद्दारी करते हैं ये कोई नया बीमारी नहीं है डोंट वरी अबाउट दैट मैं पहले आपको एडवाइस कर रहा हूँ बाकी मर्जी आपका है ठीक है जी कि सबसे पहला आप एक साल अपने ससुराल छोड़ के आके अपने मायके में रहा ठीक है इस एक साल के दौरान क्या किया इस एक साल के दौरान मैंने कोर्स किया हाँ। उसी टाइम पीरियड के लिए जब आप देख रहे हो कि आपके कुंडली में कुछ विवाह का प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छा दोस्ती कनेक्शन नहीं है क्लियर ओके आप देख रहे हो कि आपका जिंदगी में समस्याएं हैं जैसे आपका शरीर में बीमारी होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो क्यों जाते हो ठीक करने ऐसे ही फैमिली डिजीज दिस इज ए डिजीज आप क्या बोलते हो ये डिजीज हटाओ हमको डिवोर्स दे दो दिस इज डिजीज आज अविश्वास हुआ है कल विश्वास हो जाएगा आज दुश्मन है कल दोस्ती हो जाएगा शनि साढ़े साथी में हर घर में होता है मैक्सिमम घर में ये होता है लेकिन मेरा जब शनि का साढ़े साथी सुंदर वेरी गुड देखो टकी तुम्हारे कुंडली में पकड़ लो फैमिली डिस्टर्बेंस का बात साढ़े साथी में लिखा है तो क्या पृथ्वी में जितने साढ़े साथी हैं सबका फैमिली डिस्टर्बेंस होगा किसी का धन हानि हो जाएगा किसी का प्राण कोई मर जाएगा किसी का टांग कट जाएगा किसी का आंख फूट जाएगा किसी का हस्बैंड वाइफ झमेला होगा किसी का बच्चा छोड़ के भाग जाएगा किसी का बच्चा को कोई दूसरा उठा के ले जाएगा अलग अलग योग से शनि बाबा कष्ट देता है इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा साढ़े साथी शुरू हुआ तुम्हारा हस्बैंड वाइफ डिस्टर्ब हुआ कल तुम्हारा मेष राशि का हस्बैंड तो हस्बैंड है कल उसका साढ़े साथी शुरू होगा तो वो तुम्हारे साथ लड़ेगा उसका और कुछ प्रॉब्लम होगा उसका कुछ बीमारी हो जाएगा या उसका और उसका कुंडली के अनुसार जब उसको फलित करने जाएंगे उसका कुछ और प्रॉब्लम होगा इसका मतलब ऐसे होते हो गया अभी तुम्हारा साढ़े साथी तुम्हारे फैमिली डिस्टर्बेंस हुआ तुम बाप के घर में आगे रह गए फिर उसका साढ़े साथी होगा तुम्हारा साढ़े सात साल उसका साढ़े सात साल सात चौदह सात साल को तो चौदह साल तो चौदह साल भगवान बोलता है कि तुम अलग रहो बोल के ऐसा नहीं होता है बी कीप क्वाइट देखो क्या है हस्बैंड का प्रॉब्लम हुआ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ फिजिकल प्रॉब्लम हुआ मेंटल प्रॉब्लम हुआ कंजूसी रोग है कई सारे हस्बैंड का तो रोग है एक बात बताओ तुम आज पकड़ लो अच्छे कंडीशन पे हो हस्बैंड गलत लगा तो छोड़ दिया कल तुम उस जगह में रखो हस्बैंड को तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होगा तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ देगा कल तुम्हारे तरफ से सारे दोष आएगा तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ देगा क्या यही फैमिली है यही संसार है यही धरती है यही प्रेम है हृदय को बड़ा करो हृदय में बड़ा रखो प्रेम कोशिश करो वो किसी को सम्मान नहीं दे वो नहीं देने दे तू देती है ना वो उसके बाद छोड़ दो मेरे मामा जी जो है हाँ घर में जो बहुत बड़े सीनियर ये सब गुलो फैमिली क्वार्टर मामला आर किछु नो ठीक है ये केवल इसको टानना है मैं जितना फैमिली कोर्ट केस देखा हूँ ऐसा नहीं कि कल तुम्हें डिवोर्स मिल गया एक दो आठ दस केस लेके जाओ मैं कोर्ट को सम्मान देता हूँ मैं लीगल सिस्टम को सम्मान देता हूँ भारतीय नागरिक हूँ मैं कोर्ट के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ ना ये केस और ये फैमिली मैटर के बारे में एक भी बोल रहा हूँ लेकिन देखो ना मेरे को 100-200 केस ला के दिखा दो जो कि कोर्ट में वो लोग सॉल्व हो गया না তোমার হরস্কোপ কি হবে যতক্ষণে একটু বৃহস্পতি তোমার লগ্ন বেসেছে মানে কি সপ্তম দৃষ্টি অমৃত দৃষ্টি আছে अगर किसी गुरु बृहस्पति जहाँ देखेगा देखो एक सिंपल बात बोलते हैं जिसका करियर में गुरु बृहस्पति करियर हाउस को देखता है धरती में कोई भी आ जाए इतना जल्दी उसका करियर डैमेज नहीं हो सकता और तुम्हारे गुरु बृहस्पति सप्तम को देख रहा है करो कितना कोर्ट कचरी माली मकदमा दौड़ो दौड़ लो पेट भर के दौड़ो खर्चा अच्छा से कर लो घर तोड़ने बृहस्पति हैं इस जगह में नहीं देगा लेकिन सप्तम में गुरु बृहस्पति बैठ जाए
तुमको कोट कर कोट नहीं जाने का जरूरत नहीं, ऐसे ही फैमिली तोड़ के रख देगा। तुमको केवल एक परेशानी खींचने वाला रास्ता है और कुछ नहीं। देखो सिंपल फैमिला है, तुम करो, घर नहीं बचे मेरे को बोलना। एंड इफ यू हैव नॉट कैपेसिटी यू कम टू माई ऑफिस एंड राउरकेला, मैं तुम्हें साधना कराता हूँ, पूजा पाठ करवाता हूँ, तुम्हारा घर परिवार शांति होगा। मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक पूजा वो सब आई नेवर बिलीव, मैं कहता हूँ गृह शांति, ग्रह शांति, शांति में इतना, जैसे प्यार में बोलते ना प्यार में बहुत दम है, ऐसे शांति में उससे ज़्यादा दम है। तो यू लर्न द वे टू हाउ टू गिव द एनर्जी ऑफ शांति, जैसे बोलते ना प्रेम दाओ तो प्रेम पावो, ठीक है किछुटा डाले किछुटा पावो, ठीक है ले प्रेम का एक ही रास्ता है ना, जब देंगे तो मिलेगा। आप ये कह रहे हो कि पति मेरे को फ़ोन नहीं कर रहा है, पति मेरे पास आता नहीं है, पति मेरा केयर नहीं लेता, पति जो मेरे को वगैरह वगैरह डेस डेस डेस। मैं पूछता हूँ आप कितना लेते हो, सॉरी मैं किसी का सपोर्ट नहीं जा रहा हूँ, शनि माने समझते हो ना, ना उसके तरफ जाएगा ना इसके तरफ जाएगा, ना तेरा पति के साइड जाएगा ना पत्नी के मैटर पे जाएगा। 90% प्रॉब्लम तभी होता है ना जब हम दूसरे को समझ नहीं पाते। एक बार समझ गए कि अरे यार मच्छर है काटेगा और मलेरिया होगा, मच्छर क्यों काटा, अरे मच्छर का काम है काटना, एक बात। दूसरा हस्बैंड मिसबिहेव किया करेगा, एक बार हम समझ गए कि अरे यार पगला आदमी है ये आने से मिसबिहेव करेगा, पगला तुम्हें किचू जानी ना, तुम्हें बदमाश, तुम्हें छेले गुलो, तुम्हें मैं गुलो, मारे दो पीटे दो केटे दो, ओके ठीक। इफ यू अंडरस्टैंड एक बात कि अरे यार ये ऐसा ही करेक्टर है, एंड यू गिव अदर्स पीपल सजेशन, तेरा मामा चाचा काका का सुनो पगला आ रहा है थोड़ा शांत हो जाओ, हम लोग रजिस्ट कर लेते हैं। नहीं चल, आप अगर किसी को साथ लेके चलना है, देखो छेड़ना छोड़ देना बड़ा सहज बात है, छोड़ दिया खत्म, लेकिन लेके झेलना, और क्यों झेलना इसके पीछे भी रहस्य है, देख लो क्यों मैं झेलूंगा, क्योंकि मेरे कुंडली में अगर ऐसा पति लिखा है और मैं बोलता हूं चेंज कर दूंगा नया पति लाओ, ऐसे बहुत केस देखा है मेरे पास। देखो जिंदगी 38, 40, 41 पार कर दिया, ऐसे तो आप जैसे एक केस नहीं है, बहुत आया, मतलब पति चेंज करो यार, बाप के पास बहुत पैसा है, चेंज द हस्बैंड, कर दिया, नया पति ले आया, पति को पैसा वैसा फेंक के भी लेके आके दे दिया, रिजल्ट क्या हुआ, तुम्हारे कुंडली में गुरु बृहस्पति चेंज हो जाएगा। किसी के कुंडली में गुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में बैठा है, और जब भी किसी नारी का, स्त्री का, कन्या का, लड़की का गुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में बैठा है क्या करेगा, ना वही देखे रास्ता में, ठीक है तो क्यों हो, वो जैसे दंड दे रहा है वैसा दंड देते देते ही चलेगा। एक सबसे सीवियर केसेस मेरे पास आया, पहला हस्बैंड उसको छोड़ दिए, छोड़ देंगे बोला, डिवोर्स दे दिया, दूसरा एक पुलिस इंस्पेक्टर को फंसा के शादी कर दी लड़की, जानते हो फाइनल क्या हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर उसका गर्दन में ऐसे पकड़ के दीवाल में मारे लड़की का, अपना वाइफ का, और जब तक खून दीवाल से नीचे तक नहीं गिरा तब तक पीटता रहे, सेकंड हस्बैंड मेरे, मैं उसको मना किया था, होवे ना कुत्ता यार पूछ सीधा होवे ना, ठीक है जे, और जो दिन सीधा होवे वही दिन कुत्ता पागला होवे मरे जाओ, खत्म काम, मर जाएगा वो, नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसा ही है कि हमें दो रास्ता है, आप जो प्रश्न कर रहे हो मैं उत्तर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पहला प्रश्न है कि मेरा दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा, तुम्हें किसी कुंडली जानी ना, किसी कुछ जानी किसी आइडिया अच्छे ना, अच्छा एक टू बात, एक टू कथा बोलो हमें, क्यों प्लैनेट यदि अपना अष्टम स्थाने जाए छे की होए ला की होए मारो भालो या खराब भालो ना ना, तो ये तुम्ही अपने देखो भालो रकम तुम्हार सेकंड धरो सेकंड विवाह, ठीक है तो नवमे देखो, तो नवमेर लॉर्ड कुथा जाए छे अपना अपना स्थाने को तो दूर जाए छे, बोलो अगर कोई भी प्लैनेट अपने घर से अष्टम चला गया, अष्टम स्थान क्या हुआ है, मरण तुल्य पीड़ा, दुख कष्ट पीड़ा, भगवान इधर से भी रास्ता बंधा है, तो पहला हस्बैंड छोड़ेगी ना, दूसरा हस्बैंड को अष्टम में डाल के था, चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा वहाँ घर में लेकर रख दिया है, तो तुम जहाँ दूसरा हस्बैंड ढूंढ के लाओगे, देखिए मैं सुख है दुख तो वहीं पर है ना, सुख के फल के अंदर दुख का बीज पड़ा छुपा पड़ा है ना। शनि बाबा कब ठोकता है, जब हम जब तक झुकते नहीं है, जिस दिन झुकना छोड़ झुकना सीख गए ठुकना छोड़ दिया, एक पहला बात है, समझो मैं तुम्हारे तरफ नहीं हूँ ना मैं उसके तरफ नहीं हूँ, मैं सिंपल इतना बोल रहा हूँ,
चांस देना होता है। प्रेम का अर्थ समझो, प्रेम कहता है चांस लो, प्रेम कहता है माफ, प्रेम कहता है दिल तुम्हारे ऊपर, प्रेम कहता है और क्या गलती करना है कर दो। एक छोटा सा बच्चा बदमाशी करता है, माँ बोलती है कोई बात नहीं बेटा, माँ का फाड़ दे, पीटे, मारे, गाली दे, क्योंकि प्रेम वहाँ पर क्षमा कर देता है। प्रेम वो पैर उठा के माँ के ऊपर सो जाता है बच्चा, माँ बोलती है मेरा बेटा है। लेकिन पत्नी के केस में कुछ अलग गेम हो जाते हैं। ना ना ना, यही समझो, ओशो को सुनो एक बार। ओशो क्या बोलता है, पत्नी जिंदगी तभी सफल है जिस दिन तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा बीबी, तुम्हारा पति तुम्हारा पुत्र बन जाए। पत्नी उस दिन पत्नी होती है जिस दिन उसका पति पुत्र बन जाता है। मैं तुम्हारे डायमेंशन में अगर समझूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, मेरा दक्षिणा दे दो, तुम्हारा नवम शादी होबे, और तुम्हारा कौन पूछ रहा है। मैं अगर एक एक टेक्निकल अगर बात समझाने आऊँ, जैसे दूसरे जगह में लाइन लाइन लगा ऑफिस में बैठा, हाँ तुम्हारा शादी हो जाएगा, हाँ तुम्हारा करियर हो जाएगा, ये पत्थर पहन लो और जाओ, मुझे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें क्यों काउंसलिंग कर रहा हूँ 20 मिनट से, पैसा दोगे ज़्यादा, मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ। ना हम ये लव करबो ना, आर प्रॉब्लम हो अपनी कोर्ट जा, कोर्ट जावार जन्य किचु ना, खाली दौड़ना है और कुछ नहीं। हाँ तो बोलने बोलो कि बोलो, ওইটা পুলিশ চাকরি করছে না, তো তার জন্য সবুজ জানেছি ভালো রকম কি করবো, तो तुमको ज्यादा परेशानी में डालना है उसमें। तुम्हारा बृहस्पति का महादशा है, गोल्डन पीरियड है, तुम बोलते हैं हम साढ़, हाँ ठीक, उसके बाद क्यों की होते सैटर्न, सैटर्न तो सारे की अच्छे क्यों है, हाँ अभी जो नवरात्र कल से शुरू हो जाएगा अमावस्या के बाद, और आज खास अमावस्या है, इसी काम के लिए ही हम लोग आए हैं अमावस्या आज रात को स्पेशल, क्योंकि मेरा इतना सारा सब्सक्राइबर है, ठीक है 30K अलग अलग चैनल से, तो सबको सबका प्रार्थना आज रात को यहाँ होगा। आई विल प्रे फॉर यू ऑल्सो, डोंट वरी। एंड ये सारे जो भी समस्या दिखा रहे हो, दिस आर ऑल स्टैटिक है, इसके चक्कर में पड़ोगे, यू जस्ट वेस्ट योर टाइम, मनी एंड एनर्जी, नथिंग एल्स। यू गो फॉर इस नवरात्र में अखंड दीप बैठाओ और माता रानी का जप माला पकड़ो, नव दिन के बाद तुम्हारा करियर और तुम्हारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आता है देखो। मकर राशि वाले हो, अभी अगर अपने टाइम को कोर्ट कचहरी माली मकदमा हस्बैंड का केस में डालोगे, नथिंग बट ओनली पिसोगे। और ये बृहस्पति के बाद जब शनि आएगा, नीचस्त शनि है, नीच हरकत करवा देगा, अगर अभी से शनि को ठीक नहीं किए तो नीच हरकत करा के दे देगा। और 10 का शनि कभी कभी रोग और कभी कभी पीड़ा भी देता है, रोग भी देता है, खाली अच्छा नहीं, बहुत ऊपर उठाएगा, पटकेगा, ये ठीक है, लेकिन कभी कभार रोग दुख शोक भी देता है। हाँ 11th का शनि एवरीवेयर गुड, तो लग्न से तो ओके है, मेंटल ले गिनो, मन से क्या होगा हालत, मन से हालत गिनो, तो मिल गया शनि का रिजल्ट, शनि महादशा में क्या होने वाला है। फिजिकली हो सकता है अच्छा हो, धन भूमि भवन वाहन इच्छा सब कुछ देगा, एकादश का शनि किसी को लेकर खाली नहीं छोड़ता है, महारानी बना के रखता है, महालक्ष्मी बना के दे देगा, चाहे कितना पीड़ित शनि हो, कितना गलत हो, उस जगह में शनि का महादशा मीन्स रॉक करोगे, टॉप करोगे, लेकिन कब, जब तुम अपने साथ न्याय करोगे और पति के साथ न्याय करोगे। शनि उसको माफ नहीं करता जिसके अंदर घमंड है, ताव है, पाव है, आज नहीं नहीं नहीं, मैं बोला शनि नहीं करता, आपका बात नहीं कर रहा है, आपका बात नहीं कर रहा है, तो जो है शनि का काम क्या है, न्याय करना। अगर आप अब वर्तमान अपने साथ न्याय किए हो तो शनि का महादशा में राज करोगे, नहीं किए हो तो आगे का लाइन क्या दिया, मेंटल प्रॉब्लम में भी डालेगा, क्यों, फ्रॉम मून टू डिस फ्रॉम लग्न इट इज वेरी गुड बट फ्रॉम मून इट इज नॉट गुड। ठीक है, इस कंडीशन पे आपको सुरक्षित रहना चाहिए, और इसीलिए मैं क्या बोला, बैकफुट पे रहो, मोर सल्टाने का चक्कर करो, कोर्ट कचरी में जाके समाधान करने के लिए इतना देर जाने से अच्छा है चालाकी करो, चालाकी करे अंडर टेबल में बैठ के बात करो। ऐसे समय अच्छे नौ दिन नवरात्रि, तुम्हें हमार कथा माने नौ रात्रि जो जापटा और हवनटा कर दियो, तार परे बोलबो कि होलो कि ना। नवरात्र में वो दम है कि अच्छे अच्छे असंभव को संभव करता है, कल 10 बजे जेल जाने वाला होगा और आज उसका रिजल्ट कैंसिल भी हो सकता है। तुम जिस ग्रहों को विश्वास करके आए हो, ये ग्रह बड़े हैं या माँ काली बड़ा है, माँ दुर्गा बड़ा है, ये बताओ, माँ दुर्गा। तो फिर तुम किसके टेंशन में पड़ रहे हो, ठीक है ये तो कह रहे हैं कि दे आर इन प्रॉब्लम, बट वो क्या बोल रही है, अभी नवरात्र है, शुरू करो,
जाप करके देखो, तुम जो बोल रहे हो ना, तुम अगर तुम्हारे पति को एक बार ऐसा देख लोगे ना, तुम्हारा पति ऐसा बोलेगा ठीक है चलो, बोले तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है, तुम विश्वास करो, तुम्हारा कुंडली बोल रहा है। तुम्हारा कुंडली अकल्ट साइंस के लिए तुम काउंट कर लो, यहाँ से शनि 7:30 है बोल के आप 2 घंटा करे करछे, अति भालो सुंदर। ये देखो मैं खुश हो गया, मेरे अंदर खुश होता हूँ ना तो मेरे अंदर वो पॉजिटिव आता है, ग्रेट, धन्य धन्य। की बात, अच्छा कलकत्ता ही वेजिटेरियन, वाओ। घर में नारायण शिला भी है, अरे शालिग्राम गुड गुड गुड, सब कुछ कर रही हूँ। जो देखो की बोले ना, पुत्रो कुपुत्रो भवती, माता कदाचित कुमाता न भवती, कुछ भी हो जाए की, हमारा 100 बात 1000 बात 1,00,000 बात का एक ही बात है, ये नवरात्र 9 दिन अखंड दीप 3-4 किलो घी लाके बैठो, जलाओ और जाप करो और हवन करो डेली। अगर पंडित मिलवे तो एकाने एक टू चंडी पाठ भी कर दिवे, और तार परे आमी बोलबो, आमाके फोन करबे तुमी, आमी बोलबो तुमाके, ठीक है जे? ये कुछ नहीं है। और जो बाकी कह रहे हो ना, जो पति ऑल दिस डिस्टर्बेंस, मेरा रिक्वेस्ट है आप चाहोगे तो आपके पास, आप अपने खुद मुंह से मान रहे हो कि स्पिरिचुअल हो, कलकत्ता जैसे जगह में विभीषण का रूल बता रहे हो कि मांस मछली अंडा खाती नहीं हो, शालिग्राम पूजा करते हो, वही नवरात्र तक करो और ये सारा समस्या ताम झाम भाग जाएगा, माला उठाओ। कलकत्ता और बांग्ला में और तुम्हें जानी ना नवरात्र की करो, पूरा पृथ्वी तुम सीखे कलकत्ता से है? ठीक। माके लाल जवा देवो, हाँ। लाल फूल देवो, ठीक। अपन प्रदीप जलवे, हाँ। हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई एक मैच्योर्ड है, तो हम देख रहे हैं ना कि तुम कि ये मैच्योर्ड है, बिकॉज गुरु को शनि देख रहा है, मैच्योरिटी ऑन नॉलेज, ठीक, मैच्योरिटी ऑफ बिहेवियर, हाँ यहाँ देख रहा है मैच्योरिटी ऑफ बिहेवियर, बट वो सामने वाला अनमेच्योर्ड है, सामने वाला बच्चा है, तो तुम्हें दोष किसका है, तुम्हारा ना, कि यू आर ए मैच्योर्ड गए, यू आर ए स्ट्रांग गए, यू आर ए वेरी स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली यू आर सो हाई, तुम अपना पति को बच्चा नहीं बना सकते हो, और तुम्हारे पास इसमें क्या कैपेसिटी आता है ना, वो आदमी तुम्हारे पास एक सुपर हिप्नोटिक कैपेसिटी है, बट तुम उसको एक्टिवेट नहीं किया। हिप्नोटिज्म कहाँ से देखते हैं, ज्योतिष में, कि कौन सा स्थान होने से उसकी आँख में हिप्नोटाइज आई होगा, वो ऐसा देख लिया तो उसको उठ बोलने से उठेगा, बैठ बोलने से बैठेगा, यू हैव दैट कैपेसिटी, बट तुम उसको ट्रिगिंग नहीं किए हो, तुम्हें नहीं पता। देखो कोई ऐसे ही छोटा मोटा टुच्चा बाबा था, वो 20 साल से जॉब करता था, 20 साल से जॉब करता था, तो हम पहले गया उसको दिखा ऐसे, अरे वो उसका साइड में पेशेंट आके खड़ा है, अरे एक टू फूक रे, जलधार जलधार फूक, अरे उससे क्या होगा, अबे तेरे को बोलता हूँ तो फूक, तो पानी पकड़ा मंत्र मारा सब फेंक के फूक दिया, ठीक हो गया। बोला हमसे हुआ, वो मेरे को बोले तुम ही किचू करे छे, बोला हमें क्यों करबो, अभी तो किचू करे ना, अभी तो ये खड़े हम सिंपल खड़ा है, तुम मंत्र मारा, तुम पानी छिटा, तुमको विश्वास नहीं हो रहा कि तेरे मंत्र से वो ठीक हुआ, और हमको बोल रहे तुम कुछ किया है, दिस इज व्हाट कम द लेस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर प्रॉब्लम इज लाइक दिस, तुम्हारे पास है कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे बिल्डअप करो नवरात्र करके, ठीक हो जा। ओके मेरा माँ की तबीयत कैसे है? तुम्हारा माँ का तबीयत सेकंड हाउस है, ओके देखिए बोलते हाउसर चंद्रमा क्यों भालो बोलचे, सेकंड हाउसर चंद्रमा मतलब क्यों भालो बोलचे, भालो है, अरे तू भी बोलो, तू बोलची तो अभी 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 तुम्हारे सब सब वीडियो ये यूट्यूब है, सब वीडियो देखिए बोलिए, तुम्हें जानी ना, तुम्हें भालो रकम जानी, सेकंड माने की सेकंड हाउस माने की स्पीच आर की वाणी आर की धन 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 धन, तो तुम्हारा मन को थाय छे धनर मध्य छे, तुम्हारा माँ को थाय छे धनर मध्य छे, ठीक है जे आर आर की बोलो, माँ अगर चंद्रमा यहाँ कहीं से पीड़ित होती तो प्रॉब्लम था, सिंपल सा, दिस इज वेरी जनरल नॉलेज, एक लड़की आई है उसके पीछे माँ आई हुई है, माँ पीछे बैठी है, माँ स्ट्रांग है मजबूत है, हंस रही है और पंडित से भी भिड़ रही है, बैठ तो माँ कैसे खराब है यार, दिस इज ये कोई क्वेश्चन है पूछने का, अभी तुम्हारा चंद्रमा केम ध्रुव में होता, तुम्हारा चंद्रमा 0023 डिग्री का होता, 22 डिग्री का, देखो हट्टा कट्टा लंबे चौड़े एकदम साठ एकदम, बैठ का टेंशन, हाँ तो नथिंग, 7:30 में पिताजी को प्रॉब्लम होता है, पिताजी तो नहीं है।
नहीं है तो हटाओ, ठीक है वो गया तो गया, उसका बात छोड़ दो। और बाकी तुम्हारा माँ मदर इज 22 डिग्री विद सडबल, और इसके अगर देखोगे और तुम्हारा कंडीशन और तुम्हारा माँ को देखना, सी जो नथिंग टू वरीड अबाउट दैट, ठीक है? हाँ।